पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, इलाके भर से डकैतों, मंशियात फरोशों और जरैम पेशा नासर का सफाया करने पर यंग जर्नलिस्ट ग्रुप विहाड़ी, सत्र प्रेस क्लब लुडन और मरकजी अंजमन ताजरान लुडन का काफिले की सूरत में डीपी ऑफिस पहुंचे और डीपीओ मोहम्मद ईसा का सखेरा एसपी इन्वेस्टिगेशन फरूक कमियाना, डीएसपी रुबीना बास को खराज तहसीन पेश करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की और इलाके भर के क्राइम फ्री बनाने के लिए डीपीओ मोहम्मद ईसा का सखेरा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर सदर सत्र प्रेस क्लब लुडन मियां हुसैन दुल्ताना का कहना था कि डीपीओ विहाड़ी जैसा नडर और अजीम इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखा। डीपीओ विहाड़ी ईसा खास खेरा ने एसएचओ थाना लुडन राय साजिद को तैनात करके जरैम पेशा नासर का खात्मा कर दिया है। राय साजिद खरल क्राइम फाइटर एसएचओ है जिसने डीपीओ विहाड़ी के अहकाम की रोशनी में डकैतों, चोरों, नौसरबाजों को लगाम डाल दी है। जबकि सदर मरकजी अंजमन ताजरान लुडन हाजी मोहम्मद हुसैन अराई का कहना था कि एरिया थाना लुडन को जरैम पेशा नासर से पा कर दिया गया है, जिसका तमाम क्रेडिट डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान सखेरा, डीएसपी रबीना बास और एसएचओ थाना लुडन को जाता है। इस मौके पर डीपीओ विहाड़ी, एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी रबीना बास ने तमाम सतलज प्रेस क्लब लुडन, यंग जनरल्स ग्रुप और अंजमन ताजरान लुडन का हौसला अफजाई करने पर शुक्रिया अदा किया। जबकि ग्रुप लीडर यंग जर्नल्स ग्रुप विहाड़ी डॉक्टर अरफान चौधरी का कहना था कि डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान सखेरा ने पंजाब पुलिस का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जी बेहतरीन।